राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में अफसरों के रवैये से किसान परेशान हैं। तीन बार ज्ञापन देने के बाद भी पाले से खराब हुई फसलों का सर्वे नहीं किया जा रहा है। जब खराब हुई फसल लेकर किसान अधिकारियों के पास गए तो जवाबदारों का कहना था, ये कचरा लेकर क्यों आ गए हो। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जैसी नगर तहसील के किसानों ने एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में तुषार लगने से उनकी खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर उचित आर्थिक सहायता राशि दिलाने की मांग की गई है। किसान जब ज्ञापन लेकर पहुंचे उस दौरान किसान के हाथों में गेहूं की फसल थी, जिसे देख नायब तहसीलदार ने LP अहिरवार से कहा, यह कचरा यहाँ क्यों फैला रहे हो। इतना सुनते ही किसान भड़क गए और कहने लगे, यह अन्नदाता की फसल है, कोई कचरा नहीं। लेकिन बाद में किसानों ने फर्श को साफ किया और ज्ञापन सौंपा। इसके संबंध में सौंपा ज्ञापन, ये पाला पड़ गया, पिसी चना मसूर कुछ नहीं बचा। तो हम जब पिसी चना मसूर लेके आए तो नायब तहसीलदार बोल रहे हैं कि जब कचरा लेके क्यों आ गए यहाँ। अच्छा, गेहूँ को कचरा बता पकड़ा रहा है ये कचरा। हमने कहा कचरा नहीं है, ये अन्न है, अन्न किसी गेहूँ, इससे तो पेट भरते ही, हम किसान लोग हैं। कहने लगे इसके लिए साफ करो। तो जब फिर हम लोगों ने साफ भी किया, करना पड़ा। अच्छा, नहीं कर रहे तो नाराज बहुत हो रहे थे। ज्ञापन के संबंध में नायब तहसीलदार LP अहिरवार से बात की तो उन्होंने कहा कि ज्ञापन के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, जो भी निर्देश होंगे कार्रवाई की जाएगी। किसानों ने ओला पाला में जो फसल खराब हुई है पाला तो साल में, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है और ये हमने वरिष्ठ कार्यालय को भेजा हुआ है। एक दो दिन में इसका आदेश हो जाएगा तो पटवारी से सर्वे करवाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।